नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अपन देख रहे हैं यह है मकराना का पिंक क्वालिटी। आपने काफ़ी पिंक मटेरियल देखा होगा, बट जो मकराना का पिंक है ये बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत स्पेशल मटेरियल है ये। बिकॉज़ इसका जो क्लेज होता है ये बाकी के पत्थर जितने भी होते हैं पिंक क्वालिटी में आप देख सकते हैं, इतना शायद इतना क्लेज नहीं होता उनके अंदर जितना मकराना की पिंक क्वालिटी में होता है। जो मकराना का पिंक होता है ये बहुत मतलब जैसे अगर अपन इस प्रोपोर्शन देखें वाइट के, तो एज़ कम्पेयर टू वाइट मटेरियल पिंक क्वालिटी बहुत कम निकलता है। बट उनमें से भी जो ये ग्रप का पिंक है, ग्रप का पिंक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो खदान होती है उलोड़ी माइंस का मटेरियल है, ये उलोड़ी खदान में से जो बहुत गहराई से जो माल निकाला है उसमें से निकलता है ये ग्रप का माल। मकराना पिंक जो क्वालिटी है उसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी आती है उलोड़ी माइंस की, जो उलोड़ी खदान होती है उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी आती है पिंक के अंदर। बहुत तो अच्छा ग्लेज आता है। ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ ये कंप्लीट पॉलिश्ड मटेरियल है, ये देख सकते हैं आप, ये पॉलिश्ड है पूरा, ये आफ्टर पॉलिश देख रहे हैं आप। बहुत सुपर क्लासिकल चीज़ है ये, जब घरों पे लगती है तो चार चांद लग जाते हैं घर के। काफ़ी मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघर में काफ़ी यूज़ हुआ है ये मटेरियल। बट जो पिंक क्वालिटी होती है मकराना के अंदर उनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है ये, जो गर्भ का माल होता है। उलोड़ी माइंस में आपने सुना होगा अल्बेटा निकलता है, उसी बेल्ट में से मकराना का पिंक क्वालिटी निकलता है। जो माइंस है अल्बेटा की उलोड़ी माइंस, उसी में से ये मकराना पिंक का एक बेल्ट चलता है। ये देख सकते हैं आप, इतना शानदार कॉम्बिनेशन है इसका, लाइट शेड के साथ डार्क शेड, बहुत प्रीमियम क्वालिटी, बहुत सुपर क्वालिटी होती है मकराना पिंक। बहुत नसीब वालों के लगती है ये क्वालिटी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि मकराना का है ये पिंक, और उसको पालोदा पिंक जो आता है वो चिपका दिया जाता है, जो कि मात्र 20-25 रुपए का माल होता है, उसके अंदर ये ग्लेज नहीं होता। ये आफ्टर पॉलिश में दिखा रहा हूँ ये आपको, ये स्लेब्स पॉलिश्ड है, आफ्टर पॉलिश ये कलर आएगा इसका और ये शाइन आएगी इसकी, बहुत ग्लेज है इस माल में। किसी को जैसे कलरफुल फ्लोरिंग में, मतलब जैसे कलरफुल मटेरियल डालना हो फ्लोरिंग में, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मकराना का पिंक, और वो भी अल्बेटा पिंक। मकराना में भी पिंक बहुत सारी क्वालिटीज़ का आता है, बहुत सारी माइंस का माल आता है, किसी में काला पीला माल भी निकलता है, लेकिन जो उलोड़ी माइंस का जो पिंक आता है उसका मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पूरा जो मटेरियल है ये कंप्लीट एक ही माइंस का माल है पूरा, ये लगभग 11 से 11,500 स्क्वायर फीट का लोट है, ये पूरा एक माइंस का लोट है कंप्लीट। ये देख सकते हैं, ये ओपन नहीं हो रहा, इधर स्लैब है इसलिए ये, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये स्लैब, ये देखिए, बहुत सुपर चीज़ है ये, मकराना की सबसे क्लासिकल चीज़ में से एक है। दोस्तों एक ख़ास बात जो कि मकराना मार्बल को एक यूनिक क्वालिटी बनाता है बाकी पत्थरों से, वो ये है कि जो इसकी जो पॉलिशिंग होती है वो लाइफ टाइम में कभी भी ख़राब नहीं होती, इसकी जो पॉलिश होती है वो बरकरार रहती है। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे अपन डे बाय डे इसको और यूज़ करते चलेंगे, इसका जो शाइनिंग आज है वो इससे भी ज़्यादा कल होगा, जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे जैसे जैसे इसकी शाइनिंग बढ़ती जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये सब नेचुरल पॉलिश स्लैब्स है, और इसकी शाइनिंग कभी भी, ये मेरा दावा है कि कभी भी जाएगी नहीं अगर आप नेचुरल पॉलिश कराते हो विदाउट एनी केमिकल। नेचुरल पॉलिश में सिर्फ भट्टी चलती है और भट्टी से अपने आप इसकी पॉलिश आती है, ये ग्रेनाइट पॉलिश है। और बाकी जो पत्थर हैं आप कोई भी देख सकते हैं मकराना के बिसाइड, सब का पॉलिश उतरता ही उतरता है,
किसी का 3 महीने बाद तो किसी का 6 महीने बाद। 6 महीने से ज़्यादा किसी पत्थर पे पॉलिश टिकता ही नहीं है, सिवाय मकराना को छोड़ के। यही इसका एक यूनिक क्वालिटी है जो कि इसको बाकी सब पत्थरों से एक अलग पत्थर बनाता है। दोस्तों, हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। और कोई भी मकराना मार्बल के रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। आपका अपना दोस्त केशव महेश्वरी, महेश्वरी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स मकराना।